टाटा की मजबूती तो आपने बहुत बार देखी होगी, लेकिन आज हम दिखाते हैं कि लीगेसी क्या है टाटा के प्लांट की। आज मैं आ गया हूँ दिल्ली से नियरली 600 किलोमीटर दूर टाटा मोटर्स के लखनऊ प्लांट में, क्योंकि ये जो प्लांट है वो 1992 का है गाइस। और देखते हैं इतने इम्पोर्टेंट प्लांट के अंदर हमें क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलती है। गाइस ये जो प्लांट है वो इतना बड़ा है कि आपको घूमने के लिए इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 600 एकर्स में ये प्लांट फैला हुआ है। बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, मैं अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता था कुछ इस टाइप के प्लांट्स को देखने के लिए और एक्सप्लोर करने का कि आखिर ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, पेंट कैसे होता है, ये सब चीजें हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। 600 एकर्स में फैला ये प्लांट एस्टेब्लिश्ड किया गया था 1992 में इंडिया में कमर्शियल ऑटोमोबाइल मार्केट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। ये प्लांट स्पेशलाइज्ड है टाटा मोटर्स की मॉडर्न रेंज ऑफ ट्रक्स एंड बसेस के डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इस प्लांट में टाटा मोटर्स की लो फ्लोर बसेस भी बनती हैं, सीएनजी बसेस एंड ट्रक्स भी बनते हैं, और साथ ही साथ इस प्लांट में वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रेनिंग सेंटर भी है जो कि ट्रेन करता है अराउंड 500 अप्रेंटिसेस को। नियरली 5,500 एम्प्लॉयज इस प्लांट में काम करते हैं और उनकी हेल्प से ये प्लांट मैन्युफैक्चर करता है अराउंड 300 व्हीकल्स पर डे, जो कि अपने आप में ही काफी बड़ा नंबर है। इस प्लांट में हमने टाटा मोटर्स के LPT एंड सिग्ना ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग देखी, जिसमें हमने विजिट की वेल्ड शॉप, पेंट शॉप, एक्सल शॉप एंड असेंबली लाइन। इस प्लांट में टाटा मोटर्स के CNG ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती है। ईयर 2001 में फर्स्ट CNG व्हीकल इस प्लांट से रोल्ड आउट हुआ था। इसके अलावा हमने यहाँ पे विजिट की BIW शॉप यानी बॉडी इन व्हाइट शॉप, जो कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की वो स्टेज है जहाँ पे व्हीकल की बॉडी के पार्ट्स को ज्वाइन किया जाता है उसे पेंटिंग एंड चेसी असेंबली में भेजने से पहले। और इसी BIW शॉप को हम कभी कभी हम वेल्डिंग शॉप के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे हमने रोबोट से होने वाली वेल्डिंग देखी, जो कि बहुत से कॉम्प्लेक्स वेल्डिंग ऑपरेशंस को बहुत ही इजीली परफॉर्म कर रही थी, जो कि इवेंचुअली प्लांट की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। BIW शॉप से निकलने के बाद अब ट्रक की बॉडी पहुंच गई पेंट शॉप में, जहां पे इसकी बॉडी के ऊपर पेंट किया जाता है, वो भी अगेन रोबोट्स की हेल्प से, जिससे पेंटिंग में किसी तरह की कमी ना रह जाए और ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी भी बनी रहे। पेंट शॉप से निकलने के बाद ट्रक की बॉडी पहुंची चेसी असेंबली लाइन में, जहां पे इसमें बाकी कंपोनेंट्स को असेंबल किया गया, जैसे कि इंजन, एक्सल, सीट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, और इसके बाद रोल्ड आउट कर दिया गया ट्रक को। ये प्रोसेस सुनने में शायद जितना सिंपल आपको लग रहा हो, असल में उतना सिंपल ये प्रोसेस है नहीं, और एक ही वीडियो में इन प्रोसेस को दिखाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। इस वजह से हमने इन प्रोसेसेस पे डिटेल में डिफरेंट वीडियोस भी बनाई हैं, जो कि टाइम आने पे हम आपके लिए अपलोड करेंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा कि टाटा मोटर्स ने वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे वीमेन एम्प्लॉयज को भी इम्पोर्टेंस दी है, जो कि देखने में काफी ज्यादा इंस्पायरिंग था। इसके बाद हमने विजिट किया ट्रेनिंग सेंटर, जो कि यहाँ पे होने वाली 500 अप्रेंटिसेस की ट्रेनिंग में सक्षम है। ये सभी शॉप्स एंड ट्रेनिंग सेंटर विजिट करने के बाद हमने यहाँ पे प्लांट के हेड से भी छोटी सी मीटिंग की। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ में टाटा मोटर्स के प्लांट है महेश सूरू सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। मैंने पेंट शॉप देखा यहाँ पे और उसमें हमें काफी सारे कमर्शियल व्हीकल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि MCV ट्रक्स, ICV ट्रक्स। क्या क्या प्रोसेस होते हैं इस पेंट पूरे शॉप में? प्राइमरली दिस पेंट शॉप केटर्स टू ILCV, केटर्स टू MNDSV बोथ द कैब्स एंड ऑल्सो ड्राइवर स्टेशन फॉर बसेस। ऑल थ्री आर लिफ्टेड फ्रॉम BIW टू पेंट शॉप थ्रू ओवरहेड कन्वेयर सिस्टम। The first operation is cleaning activity, then very important is a degreasing activity, very critical operation, third one is the phosphating. The phosphating is important so that the paint is adhered to the body, so the body is moved to the primer where it is deposited, electrocoated process, which we call CED process. After CED process, it goes for surfacing and also for sealant application. Finally, it goes to the paint booth where top coat is done by the state-of-art robotic. After the quality checks, it goes to trim line by overhead line. Sir, इसमें क्या-क्या modern technologies involved है? उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। It has a robotic process where robots apply the painting so that you get a uniform DFT across entire body. By ED process, we are seeing that the ED reaches not only on surface but deep pockets inside the body so that it is rust preventive. Sir, एक चीज मैंने यहाँ पे देखी कि यहाँ पे काफी सारी female employees हैं यहाँ पे, gender diversity के बारे में कुछ थोड़ा सा explain कर दीजिए हमारे viewers को। As Tata Motors and Tata Group, we
continuously engage gender diversity in both white collar and blue collar. I'm very happy you have noticed that women employees are working on the shop floor. So these women employees you will see in almost all the shops. To encourage them, we have taken rear axle line as a model line. We are trying to see 100% of female employees take over that line. So for that, we have created a SDD Virangana SDD team. We have hired special women supervisors. We have changed our manufacturing process ergonomically that suits to women employees. We have seen that the facilities are also created for them. So all this ecosystem we are building so that they feel comfortable in working in Tata Motors. Sir, मैंने देखा कि इस प्लांट में आप काफी सारे एनवायरमेंट फ्रेंडली बसेस ट्रक्स बनाते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ ईवीज की एंड सीएनजी व्हीकल्स की, तो इसके पीछे टाटा मोटर्स की क्या फिलोसफी है? टाटा मोटर्स एंड टाटा ग्रुप इज इन मेक देयर पॉलिसीज ऑन सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म, दैट इज हैज बिकम अ कोर थॉट प्रोसेस इन स्पेसिफिकली लखनऊ. यू आर सीन दैट वी आर हैंडलिंग मल्टी फ्यूल सिस्टम व्हीकल्स लाइक सीएनजी, डीजल एंड ईवीज. On sustainability platform, we have three primary goals. First, to become RE100, that is, we procure our energy needs of this plant from renewable sources. Second, important platform is recycle and reuse platform. Third is biodiversity. Coming to RE100, this plant is already on 25% on renewable energy on its own. In future, we want to see that all vehicles what we produce are not generating any emissions. So it is that great legendary Suman Mulgaonkar vision is that we focus on training, we focus on biodiversity, we focus on building a factories on ecosystem which balances the nature. तो गाइस देख लिया आपने ये टाटा मोटर्स का जो प्लांट है वो कितना बड़ा है, और अब आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने क्या ये प्लांट पहले देखा है, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है या पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.